हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी स्टोरी, तो प्लीज़ पूरी सुनिएगा। बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिससे हमें कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। जंगल में एक बहुत ही बड़ा और विशालकाय पेड़ था। उस पेड़ के पर कई सारे हंस रहते थे। उनमें से एक हंस बहुत ही होशियार और समझदार था। वह हंस बुद्धिमान और दूरदर्शी था, इसलिए सभी हंस का आदर करते हुए उसे ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक छोटी सी बेल के पेड़ के तने में नीचे लिपटे हुए देखा। तुरंत दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, इस बेल को नष्ट कर दो, एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुँह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुँह में ले जा सकती है। समझदार हंस ने समझाया, आज यह हमें छोटी सी लग रही है, पर कुछ समय बाद यह पेड़ के सारे तने में लपेटा मारकर ऊपर तक आ जाएगी। फिर बेल का तना मोटा हो जाएगा और पेड़ में चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए किसी को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कोई भी शिकारी इस बेल के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सभी फंस जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन नहीं आया कि एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनकर हमारी मौत का कारण बन सकती है। तीसरा हंस बोला, अरे ताऊ, तुम तो छोटी सी बेल से डर गए और इस बेल को खींचकर लंबा कर रहे हो। उनमें से एक हंस बड़बड़ाया और कहा कि ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंधशंड कहानी बना रहे हैं। इस प्रकार किसी भी हंस ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा, बेल धीरे धीरे ऊपर शाखाओं पर पहुंच गई। गई बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर बेल की सीढ़ियां बन गईं। सबको ताऊ की बात में सच्चाई नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसको हटाना या नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक शिकारी उधर आ निकला। उसने पेड़ पर बनी बेल के सहारे ऊपर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को सारे हंस लौटे, पेड़ पर उतरते ही शिकारी के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वह जाल में फंस गए और पढ़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता लगा। सभी ताऊ की बात ना मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुपचाप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हम से मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने की कोई तरकीब आप ही बता सकते हो, आज हम आपकी बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी और ताऊ से अनुरोध किया। ताऊ ने उनसे कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुबह जब शिकारी आएगा तब सभी हंस मुर्दा होने की नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा, वहाँ भी मरे समान ही पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही सब हो जाना। सुबह शिकारी आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच शिकारी सबको मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सिटी की आवाज के साथ सारे हंस उड़ गए। शिकारी अचंभित होकर देखता रह गया। हमेशा ही हमें हमसे बड़े और समझदार लोगों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम आगे चलकर हमें झेलना पड़ता है। और अगर गलती से किसी मुसीबत में फंस गए तो अपने से समझदार और अनुभवी लोगों की मदद लेनी चाहिए। यह स्टोरी आपको पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करें, ताकि पॉजिटिविटी सभी लोगों तक पहुंच पाए। अगर आपके पास कोई अच्छी स्टोरी, आर्टिकल्स या कोई यूजफुल नॉलेज है तो ज़रूर शेयर करें हमें, उसे हम आपके नाम और फोटो के साथ पब्लिश करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है anabhyamishra@gmail.com।